कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, जो कि आप देख सकते हैं, आपने स्टार्ट में देख लिया होगा क्लिप। बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक जो मैं बनाना सिखाने लगी हूँ आप। सबसे पहले मैंने हाफ कप शुगर और हाफ कप ही मैंने कोको पाउडर डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और 3 अंडे डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जो है फ्लोर यानी कि मैदा, 1 कप जो है उसे मैं अब छान रही हूँ अच्छे से। छानने के बाद, छानना इसलिए होता है कि जो लम्स हैं वो अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप जो है ऑयल, ऑयल जो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन सिर्फ मैंने इसके अंदर मैदा नहीं डाला, बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये ग्राइंड हो चुका है, मिक्स अच्छी तरह हो चुका है, और शुगर भी जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब जो है एक बाउल लिया मैंने और इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। ये देखें इसकी टेक्सचर, इसका जो कंसिस्टेंसी इसकी कुछ यूँ है। अब मैं इसके अंदर जो है ना मैदा डालती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और मिक्स करना है। हाथ से मिक्स करने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा केक जो है ना सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आता है एज़ कम्पेयर टू कि आप जो ग्राइंडर में करें या बीटर से करें। इसी तरह तमाम मैदा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यानी कि 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर डाल देना है, और इसके बाद इसे मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर 7 अप भी डाल रही हूँ, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि मैंने जो है ना सोचा कि आज जो इसके अंदर 7 अप डालते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा इसके अंदर, आप भी ज़रूर डालिएगा। जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह, मैदा भी मिक्स हो गया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी 7 अप डाल दी। अब यहाँ पर मैंने इसे जो है ना ग्रीस कर लिया है, और आपको मैं दिखा रही हूँ, ऑयल से मैंने किया, आप घी से भी कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर जो है ना वो मिक्सचर डाल दूँगी, जो कि हमने चॉकलेट मिक्सचर रेडी कर लिया है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही आसान, जल्दी से देख लें बन गया। और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, और यहाँ पर मैंने इसे प्रीहीट होने के लिए रख दिया, हम 10 मिनट इसे प्रीहीट करेंगे। और उसके बाद ये देखें मैं इसके अंदर मिक्सचर डालने लगी हूँ, और मिक्सचर देखें यम्मीस्ट। दस मिनट के लिए प्रीहीट होने के बाद जो है ना हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब देखें मिक्सचर डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिलाते होते हैं साइड से, ये इस तरह सेट करते हैं। और इसके बाद ये देखें मैंने इसके ऊपर इसके अंदर रख दिया बल्कि, और ये देखें भाई सिर्फ 50 मिनट में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आफ्टर 50 मिनट्स। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पक गया है। और थोड़ी देर के लिए आपने जो है ना इसे साइड पर रखना है। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट सॉस भी रेडी कर लिया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप जाके जो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी जो है ना वहाँ पे इसका लिंक लगा दिया है। और यहाँ पर ये देखें भाई कितना यम्मीस्ट केक जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर जो है ना हम क्या करेंगे, चॉकलेट सॉस लगा देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि देखें कितना सॉफ्ट है। और मैं बता रही थी कि आपने जो पैन के अंदर से उसे तब तक नहीं निकालना जब तक कि वो ठंडा नहीं हो जाता, ठंडा होता है तो वो साइड से खुद ही जो है ना अलग होने लग जाता है, जब आप गरम गरम को निकालते हो ना तो वो फिर टूट जाता है, क्योंकि बहुत नरम होता है स्टार्टिंग में, तो टूटेगा तो बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ऊपर लगा रही हूँ सॉस, और मैंने सोचा क्यों ना बादाम ऊपर लगा दिया जाए, बादाम पड़े हुए तो मैंने कहा बादाम लगाते हैं और मज़े से खाते हैं। मेरी मामा का नाम आर से है, तो मैंने बीच में जो है ना सेंटर में आर भी लिख दिया, और ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यम्मीस्ट और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये आज की रेसिपी बहुत आसान लगी होगी, अच्छी लगी होगी। Happy birthday dear mommy, happy birthday to you, mama, happy birthday.